So next question is, two charged particles are placed at a distance 1 centimeter apart. What is the minimum possible magnitude of electric force acting on each charge? देखिए दो charges हैं, suppose कीजिए Q और Q, जो 1 centimeter apart हैं. तो most important point, 1 centimeter को मीटर में बदलना पड़ेगा, first point. Second बोला गया है कि electric force, the magnitude of electric force. What is the minimum possible? हाँ, ये point important है. Minimum means तो charge की value भी minimum चाहिए. अगर आप लोगों को quantization of charge पता हो तो Q is equal to N E. तो N की value minimum होगी 1. That is 1 E, which means is equal to E. That is 1.6 into 10 raised to minus 19. That is charge of electron. तो Q की value minimum लेंगे और distance है 1 centimeter. तो F is equal to K, 9 into 10 raised to 9. चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10 रेस्ट टू माइनस 19, 1.6 इंटू 10 रेस्ट माइनस 19 और 1 ओवर 100 स्क्वायर. सो एफ इज इक्वल टू 9 और ये 16 इंटू 16 2.56 और ये आप लोग अगर सॉल्व करें तो बन गया 38 और प्लस 9, ठीक है, ओवर 100 इंटू 100. तो ये बन गया आप लोगों का 9 इंटू 2.56 10 रेस्ट टू माइनस 38 प्लस 9. ये चार और वैल्यूज हैं तो ये 13 बन गया और 38 से अगर आप 13 माइनस करोगे तो ये माइनस का 25 वैल्यू और इसको इसको मल्टीप्लाई करें 2304, इट इज 23.04 आ जाएगा. पॉइंट्स लगा के 23.04, सो 23.04 टेन टू माइनस 25 न्यूटन. और एग्जैक्ट बुक की तरह अगर आंसर लेना होगा, पॉइंट इस तरफ लेकर जाए तो ये 25 से 24 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा. आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे. So thank you so much.